प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण जडणघडण या पाठाची भाग क्रमांक 2 चा स्पष्टीकरण पाहू। घरातले वातावरण धार्मिक होते, घर का जो माहौल था वो मजहब के हिसाब से था, पुस्तकें धार्मिक आसाइची, जो किताबें घर में पढ़ने के लिए आती वो भी मजहब के हिसाब से हुआ करती थी। वाटेल थी पुस्तक सरसकट वास्ता ये न से, कोई पुस्तक या किताब पढ़ने के लिए तबीयत होती तो डायरेक्टली वो किताब पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी। काय वाचावे, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे वाचावे, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, याची शिस्त ही मायने लावली। और उसकी माँ ने उनको कैसी कौन सी किताब और कैसी किताब पढ़नी चाहिए इसकी भी तरबियत लेखिका को दी थी। गीता तीचे मराठी भाषांतरण, जो कि गीता एक पवित्र किताब है, वो पढ़ना, उसका मराठी के अंदर अर्थ समझना, ज्ञानेश्वरी सारे त्यामुळे लहानपणीच वाचून झाले। इसीलिए तो जो संत ज्ञानेश्वरी है वो भी बचपनी के अंदर लेखक लेखिका की पढ़ना हो चुकी थी। माला सगळी काम करता आली पाहिजे, लेखिका को सारे काम जमने चाहिए, यह वर्तीचा कटाक्ष असायचा। इसके ऊपर ज्यादा लेखिका की माँ की तवज्जो होती, अभ्यासाच्या बरोबरीने तिने घर काम शिकवले, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करना भी लेखिका को उसकी माँ ने सिखाया, जैसे स्वयंपाक करने, पाट्यावर वाटने, धान्य काढणे, रांगोळ्या काढणे, जैसे के घर का खाना बनाना, अनाज पीसना, और उसके बाद जो रंगोली होती है जो हमारे आंगनों में काढ़ी जाती है वो कैसे बनाना, यह गोष्टी त्यातून भी शिकले। इसी से अपनी माँ से लेखिका ने ये चीजें सारी सीखी आणि ही सगळी काम व्यवस्थित झाली पाहिजे, ये सारे काम अच्छाई से और सही ढंग से होने चाहिए, तीसा आग्रह असायचा। पहले से ही उसकी माँ उसको बता दिया करती थी। धान्य काढताना मुसळ वास्ता काम नाही, जो अनाज होता है खलबत्ते में पीसने के लिए उस खलबत्ते का आवाज नहीं आना चाहिए, त्याचा इतरांना त्रास होतो, उसका दूसरों को उससे आवाज से तकलीफ होती है, असे ती सांगायचे, ऐसा वो कहती थी। मी काम करताना त्याचे बारीक लक्ष असायचे, लेखिका के ऊपर जब लेखिका काम करती तो उसकी माँ का बिल्कुल तवज्जो रहती थी, त्यामुळे आपोआपच काम व्यवस्थित केले जायचे। उसी के लिए तो लेखिका का जो काम होता वो बरोबर होता था। स्वशिस्तीची जाणू माई करून दिली, आज तागती माझ्या मनात जागी आहे। स्वशिस्तीची उसकी माँ ने खुद के ऊपर मुनिसर रहने की बात भी माई को सिखा दी थी। इसी के लिए तो आज भी लेखिका उस बात को अपने दिल में उसने ठान लिया है, ठास लिया है। वयाच्या 10 वर्षी आईने माला गाणे शिकवणे शुरू केले, उम्र के 10 साल में लेखिका की माँ ने लेखिका को गाने सिखाना शुरू किए, त्या बाबती ती विलक्षण जागरूक होती, उसके बारे में भी वो बारीक ख्याल देती और तवज्जो देती थी। काही शिकताना तुम्ही एकाग्रतेने ते ऐकले पाहिजे, आप चाहे कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसको ध्यान देकर देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, पूर्ण लक्ष्य त्यावर केंद्रित केले पाहिजे, यानी पूरी की पूरी तवज्जो उस काम के ऊपर देना चाहिए। हातीचा मुख्य दंडक असायचा, यही उसका मेन और असल मकसद रहता था। ती स्वतः शिकायला बसली की एक तान जास्तीत जास्त 2 वेळा म्हणून दाखवायची। लेखिका की माँ जब भी लेखिका को गाने सिखाती तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 मर्तबा उसको गाकर बताती थी। तिसरंदा तुम्हाला त्यातरी म्हणता आलेच पाहिजे, तीसरी मर्तबा में उस गाने में से कुछ ना कुछ गाना आपको बोलते आना चाहिए, तसे जमले नाही कि पुनः म्हणते का माई, ऐसा नहीं हुआ या गाना नहीं गाते आया और लेखिका ने अपनी माँ से कहा कि 2 बार गाकर बताती के माँ, ऐसे हलूच विचार ले, ऐसा धीरे से भी पूछा
तरी ती करड्या सवारात म्हणायची वो अपनी बेटी याने लेखिका पर चिड़कर कहती थी कुठे होते लक्ष तेरी तवज्जे कहां पर थी नहीं तर मन कभी कभी खूब चिड़ाई और नहीं तो कभी कभी खूब चिड़ जाया करती थी अन्नपूर्णा शनि तिथुन उठन निगुन जायी और अगले वक्त में वहां से उठकर चली जाती थी। तीजा या रावणाचे माला फार भीती होती। लेखिका कह रही कि मुझे मेरी माँ के गुस्से का बहुत डर था त्यामुळे रियाजेला बतले कि माझे सारे लक्ष फक्त आणि फक्त माझ्या आईच्या चौरण करे असायचे। जब भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठती तब भी मेरा पूरी तवज्जे मेरी माँ की तरफ होती। गाने शिकणाऱ्यांनी अनेक गायकांचे गाने सतत ऐकले पाहिजे। जो भी लोग कोई भी चीज या कोई भी गाना सीख रहे हैं तो उसका पूरा ख्याल उस चीज के ऊपर रहना चाहिए। पण कुणाचे गाणे ऐकायचे या बाबतीत माई दक्ष असायची। किसका गाना सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए ये बारे में भी उसकी माँ उसके ऊपर तवज्जे दिया करती थी। वाटेल ते गाण्याचे कारे कामे कायला तिने कधी मला जाऊ दिले नाही। मुझे एखादी बार लेखिका कह रही है कि कोई कलाकार का गीत सुनने के लिए जाना मगर मेरी माँ मुझे नहीं भेजती थी। संध्याकाळी एखादी कार्यक्रम असला आणि त्याला जाण्याची मी हट्ट धरला की माई विचारायची गृहपाठ झाला का करून। एखादी वक्त शाम के दौरान एखादी प्रोग्राम राहा और उसके लेखिका ने अपनी माँ से उस प्रोग्राम में जाने की इजाजत मांगी तो उसकी माँ उससे पूछती क्या आपका होमवर्क करना हो गया क्या।